हमीरपुर जिला कांग्रेस द्वारा पेगासस कांड को लेकर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कांग्रेस जिला अध्यक्ष जिंदर जार, बड़सर के विधायक इंद्र लखन पाल, पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष अनीता वर्मा, पूर्व विधायक कुलदीप ठाणी तथा जिला कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार को जमकर जुबानी हमला बोला। कांग्रेस जिला अध्यक्ष जिंदर जार ने कहा कि पेगासस कांड पर केंद्र सरकार लीतापोती कर रही है, क्योंकि पहले केंद्र सरकार ने स्वीकार किया था कि पेगासस कांड हुआ, लेकिन अब केंद्र सरकार इसको नकार रही है। इस कांड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का नाम सामने आया है, जो कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा इस कांड को दबाकर अपनी स्किन बचाने का काम किया जा रहा है। पेगासस जो हमारा ये जासूसी कांड हुआ है उसके बारे में है, जिसमें कि हमारे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी का भी नाम आया है, तो ये एक बड़ा भारी षड्यंत्र है, बहुत गंभीर मामला है, जिसको कि सरकार इसके ऊपर लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। पहले केंद्र सरकार ने ये मान लिया कि ये वाकई जासूसी कांड हुआ है, उसके बाद अब मुकर रही है और अपने जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं या दूसरे भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे ये कहलवाया जा रहा है कि ये इस कांड को वो नकार रहे हैं कि ये कांड हुआ ही नहीं। और केंद्र सरकार, खास करके मोदी सरकार जो है, वो अपनी स्किन इससे सेव करना चाह रही है, तो ये ऐसे होगा नहीं। और जिस ढंग से ये सरकार चली है, इसने सभी लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं देश के, उनके साथ बहुत बड़ा कुटाराघात किया है। राजेंद्र जार ने कहा कि केंद्र सरकार लोकतंत्र का हनन कर रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने डीसी हमीरपुर के माध्यम से न्यायिक जांच को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं उन्होंने जासूसी के मुद्दे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं मानी तो इसको लेकर सड़कों पर उतरकर कांग्रेस विरोध करेगी। जो विपक्ष को जिस तरह से दबाया जा रहा है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, पत्रकारिता की आवाज दबाई जा रही है, ये तो हिटलर को भी पीछे छोड़ गए हैं मोदी साहब। और हो सकता है कि इसके बाद जो भी पार्टी का आदेश होगा, पार्टी जिस ढंग से हमें दिशा निर्देश देंगे, हम शायद सड़कों पर उतरकर भी इस कांड के खिलाफ अपना प्रदर्शन करेंगे। और इसके साथ हम जो गृह मंत्री हैं देश के, अमित शाह, क्योंकि वो गृह मंत्रालय से ताल्लुक रखती है ये सारा जो प्रकरण है, तो हम ये भी अपनी तरफ से गृह मंत्री का इस्तीफा भी इसको लेकर मांग रहे हैं। और दूसरे, हमने आज राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन भी अपनी तरफ से देना है, जिसमें हमने उनसे किसी सिटिंग जज को की देख रेख में ये सारी जांच इसकी होनी चाहिए, और तभी जो सत्य है, जो सच्चाई है, वो सामने आ सकती है। वहीं बड़सर की विधायक इंद्रधर लखनपाल ने पेगासस कांड को लेकर कहा कि केंद्र सरकार लोकतंत्र के मूल्यों को समाप्त करने पर उतारू है। मोदी सरकार के नेतृत्व में हर चीज का हनन हो रहा है। सरकार लोगों की समस्याओं को जमकर अनदेखा कर रही है। विषय है जो अभी हाल ही में 2-3 दिनों से जो पेगासस का जो मामला है, पूरे देश में ज्वलंत मामला है और बहुत ही गंभीर और चिंताजनक मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज लोकतंत्र को खतरा हो गया, और लोकतांत्रिक मूल्यों का जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में हनन हो रहा है दिन पर, वो एक बहुत चिंता का कारण बनता है। आज हमारे देश में लोकतंत्र ना होकर डिक्टेटरशिप का राज है। जो भी आज देश की ज्वलंत समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है और अन्य जो समस्याएं हैं, उनके ऊपर जो सरकार अपना ध्यान हटाना चाहती है, इस तरह के मुद्दों को लेकर, किसानों की समस्या है, बेरोजगारों की समस्या है, कोरोना काल में जो लोग मरे हैं उनकी समस्या है, उनके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण नहीं देना चाहती है। जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन के द्वारा कोई भी मृत्यु नहीं, इतनी शर्म की बात है कि हजारों लाखों लोग जो हैं उस मौत में समा गए, और सरकार बोल रही है कि ऑक्सीजन से कोई मृत्यु नहीं हुई। और एक तरफ जहाँ वैक्सीनेशन हो रही है, 2 टीके लगाए जा रहे हैं,
उसके बाद मोदी जी द्वारा अपनी फोटो लगा के एक सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है, लेकिन जो कोरोना से मर रहा है व्यक्ति उसके सर्टिफिकेट में कोरोना का सर्टिफिकेट भी इशू नहीं हो रहा है। कितनी शर्म की बात है, ये सरकार जो है ये क्या निर्देश देना चाहती है, प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार आज चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो कोरोना से मृत्यु हुई लोगों का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, चारों तरफ से बुरी तरह से घिर चुकी है और असफल सिद्ध हुई है नेतृत्व प्रदान करने में। इस जो प्रजातंत्र देश को जो चलाना था उसमें ये पूरी तरह से विफल रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी जो है आम जनता के साथ खड़ी है और आम जनता के लिए पूरी लड़ाई लड़ेगी। ये चाहे कुछ भी हथकंडे अपना लें, समय आ रहा है इनको उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिता वर्मा ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जब से अस्तित्व बनाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए हैं, पेगासस कंपनी के लिए कहां से मोदी सरकार ने धन जुटाया है जो एक सवाली निशान है। क्या मोदी सरकार ने इस कंपनी पर सरकारी पैसा खर्च किया है, इसका जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए। मोदी सरकार ने महंगाई चरम सीमा पर पहुंचा दी है, जिसको लेकर सरकार कोई उचित कदम नहीं उठा रही है। हिंदुस्तान में एक किस्म से प्राइवेसी के ऊपर धावा बोल करना, जब से बीजेपी सरकार आई है उन्होंने अपना अस्तित्व बनाने के लिए हर कंडे हथकंडे अपनाए। बेशक उन्होंने कुछ नेताओं को दूसरी पार्टी से अपनी पार्टी में लाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया, और बेशक ऐसे ऐसे उन्होंने सपने दिखाए कि उनके पार्टी में किसी भी तरीके से दूसरे नेता आए। उन्होंने अपने अधिकारी, न्यायाधीश, हर किसी पर अपने आप को हावी करने के लिए ये पेगासस जो है उसको इस्तेमाल किया। और इसमें इन्होंने एक प्रश्न आता है बड़ा महत्वपूर्ण सबके दिमाग में, कहाँ से पैसा इस्तेमाल किया? क्या ये पैसा इस एजेंसी को लाने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए उनका अपना पार्टी का धन था, या क्या उन्होंने सरकारी धन इस्तेमाल किया हुआ? तो आज सवाल ये उठता है कि सरकार के पास अगर इतना धन है तो क्यों नहीं आज वैक्सीनेशन पूरे तौर पर ज़मीन पर आ रहा है, क्यों नहीं लोगों को लग रहा है, क्यों नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर्स जिनकी कमी थी पहले उनको क्यों नहीं प्राप्त किया गया? आप अपने अस्तित्व को बताने के लिए और सत्ता में रहने के लिए हर किस्म के हथकंडे जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आज इस डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहा है। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो हिंदुस्तान की हिंदुस्तान जो है वो पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन आप ऐसे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है। आपका जो अपना चौथा स्तंभ है जिसे हम कहते हैं कि वो पब्लिक के साथ जुड़ता है, आपका पेपर बेशक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो पब्लिक के साथ जुड़ता है, लेकिन आज वो भी दहशत में है। उनके ऊपर इतना दबाव है कि अगर वो न्यूज़ थोड़ी सी उनके खिलाफ देते हैं तो उनके ऊपर किसी न किसी तरीके से या तो ज़ोर से बोलकर उनको डराया जाता है। अगर वो नहीं डरते हैं तो अभी आपने देख लिया कि आपके एक पत्रिका चलती है उसके ऊपर उन्होंने ईडी के बड़े बड़े छापे डाल दिए हैं, ताकि जो हमारे आज न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो चुप हो जाए, इसी सरकार के बारे में बोले और जो बातें आने चाहिए उनके बारे में ना बोले। आज वो महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, डीजल तेल के जो दाम बढ़ रहे हैं हमें तो ये डर है कि उस पैसे को उन्होंने कहीं इस पेगासस के जो आपकी एजेंसी उसके लिए ना इस्तेमाल किया हो। हर चीज़ के जो दाम बढ़ रहे हैं इसमें लगता है सरकार अपने आप को आगे लाने में इस्तेमाल कर रही है, पर पब्लिक की कोई चिंता नहीं कर रही। वो कहते हैं हम पब्लिक को अपने हाथ में कर लेंगे कैसे भी अगली बार, लेकिन आज हमें सत्ता में रहना बड़ा ज़रूरी है। तो हम इसकी बहुत निंदा करते हैं और इस बात को हम चाहते हैं डीसी के तहत हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास इस बात को पहुंचाने के लिए, और हम चाहते हैं कि अमित शाह जो आज पूरे इस बेशक सीबीआई, ईडी, बेशक आपके ये जो पेगासस का ये मामला है इसके कर्ता धरता है, हम चाहेंगे कि वो अपना जो पद है उसको छोड़े और एक मतलब पूरे हिंदुस्तान को एक वो बात एक भवान दे कि भाई अगर वो सच्चे हैं कि भाई हमने ऐसे नहीं किया, मैं तो अपना पद छोड़ता हूँ क्योंकि मैंने ऐसे नहीं किया है, तो मैं समझती हूँ कि अगर वो नहीं करते हैं जैसे आपको डीसीसी प्रेसिडेंट साहब ने बोला, हम सड़कों पे उतरेंगे, हम अपनी प्राइवेसी चाहते हैं, हम अपना हक और डेमोक्रेसी चाहते हैं, इसीलिए हम कल को ज़रूर सड़कों पर उतर कर इसका विरोध करेंगे। चाहेंगे आप ये जो जासूसी कांड का आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर?
ये जो जसूस कांड बना हुआ है पेगासस के नाम से, जो फ्रांस की कंपनी है, ये देश की, इस देश की सरकार की नाकामी है। ये सरकार जो है वो ब्रिटेन के जमाने को भी याद करा रही है, और आज इसका एक ही काम है कि देश में डर और भय का माहौल पैदा करें, ताकि हर आंगल से हमारी बातों का बाहर कोई असर ना हो। ऐसा सुना जाता है कि पहले जसूसी सरकारों की जाती थी, लेकिन मेरे ख्याल पहला केस है जो सरकार जसूसी कर रही है। इससे साफ चलता है कि इन्होंने जो पिछले 6 साल से 7 साल से काम किए हैं देश की, उनको पता है कि उससे लोगों में कोई लोगों के विरोध है, लोगों में रोष है, तो इस तरह के हथकंडे बना रहे हैं। अब जो हमारा मीडिया था, जब तक मीडिया इनके साथ चलता रहा तो उसकी खुशी बाबा करते रहे, और आज कल भास्कर के ऊपर और भारत के भारतवर्ष के ऊपर जो रेड बनाई गई है, ये भी एक डर का माहौल बना है। लेकिन लोकतंत्र में ये बहुत ही शर्म की बात है कि एक पार्टी को और उसके एक नेता को सेम को इतना भूलिया हुआ है कि उसके इर्द गिर्द ये सारी जो प्रक्रिया है उसकी प्रक्रिया को मनाई है, और देश की जनता को ये बता रही है कि कांग्रेस जो है वो बहुत ही जो कांग्रेस पार्टी के नेता भी और कांग्रेस पार्टी भी इस भाजपा से भारत मुक्त हो गए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए ये सारे कांड चल रहे हैं, और अभी हमारे जो वैक्सीन है कि जिला कांग्रेस की तरफ से एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी हमारे कमांडर देखे मैं राष्ट्रपति महोदय को जाएंगे, और इसके ऊपर जो जैसे भी हाई कमांड का आदेश आएगा उसके अनुसार जैसे भी अपनी कार्रवाई होगी वो चलेगी। और ये सच है कि इस सरकार को, इस पार्टी को, इस सरकार को देश से, देश की जनता से, बेरोजगारों से, किसानों से, पत्रकारों से, किसी से कोई इनको नाता नहीं है। इनको नाता है कि हमें वोट मिले और हम सत्ता में रहें, चाहे पार्टियों के सदस्यों को तोड़ के करें, चाहे कोई और आत्मंडे बना के करें। तो ये मेरा मानना है कि जो हमारा लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, आज उसकी स्थिति जो है बहुत नीचे गिर रही है, और देश की जो स्थिति है वो आज देशों में भी नीचे गिर रही है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो जाए इस कांड में जो वहाँ का गृह मंत्री बना हुआ है उसको जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे के सरकार को नए चुनाव।